तो ये है हमारा POS जहाँ पे सारी डीलिंग होती है क्लाइंट्स के साथ, इसी पे हम बिल वगैरह काटते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रात को 11 से जो 7 की शिफ्ट होती है वो सबसे आसान शिफ्ट मानी जाती है किसी भी गैस स्टेशन में, क्योंकि कस्टमर्स 12 बजे के बाद लगभग आप कहें 2 घंटे में 2 कस्टमर्स आते हैं, 1 घंटे में 1 कस्टमर्स, यानी कि एवरेज बहुत कम हो जाती है, जो कि सुबह घंटे में 12-14 कस्टमर्स की भी हो जाती है। तो इस लिहाज से इस नाइट शिफ्ट में यही फायदा है कि आपको कस्टमर से बहुत कम डील करना पड़ेगा और जो आपको अंदर की वर्किंग है उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि बाहर आप देख सकते हैं कि पंप्स हैं, तो सबसे पहली चीज हमें जहन में रखनी होती है जो 11 से 7 वाली शिफ्ट है, इसमें जो 11 से 5 का समय है उसमें हमें कोई भी गैस डलवाने आए उसको प्री पे सर्विस ही देनी है। जी हाँ, पहले पे करेगा उसके बाद वो गैस जलवाएगा, क्योंकि सुबह होता है कि हम पहले अप्रूव कर देते हैं, वो गैस जलवा लेता है, उसके बाद वो अंदर आता है और पे करता है। रात में ये चीज नहीं, पहले आपको पेमेंट लेनी है उसके बाद उसको गैस के लिए अप्रूव करना है। इसका कारण ये है, अगर आप रात में अप्रूव पहले कर देंगे और वो बाद में कस्टमर पेमेंट देने आएगा नहीं और वो वहीं से चला जाएगा तो वो भुगतान वो खुद आपको भुगतना होगा, वो आपकी जेब से पैसे कटेंगे। तो ये चीज जहन में रखने वाली होगी, क्योंकि वो गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि रात को प्री पे मतलब प्री पे। और ये है स्टोर, मैं दिखा देता हूं। और सबसे अच्छी चीज है कि ये जो गैस स्टेशन का मेन डोर है, ये शेल की पॉलिसी है कि रात को ये डोर 11 से लेकर 5 बजे तक बंद रहेगा। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये बंद रहेगा, ताकि कोई भी अंदर ना आए और ना ही कोई हम बाहर जा पाए। तो ये रूल इस हद तक लागू होता है कि इवन कि ओनर भी आ जाए तो भी आपको गेट ओपन नहीं करना, 5 बजे के बाद ही गेट ओपन होगा चाहे जो मर्जी आए। तो इस विंडो से तब तक डील करना होगा, कोई भी पर्सन आता है, कोई भी कस्टमर आता है तो डीलिंग सिर्फ होगी यहां से। तो बात करते हैं वर्किंग सबसे पहले क्या क्या है। तो सबसे पहली वर्किंग होती है ये, देखिए ये सिगरेट्स हैं, ये सारी सिगरेट्स होती हैं जो कि हमें एवरी नाइट काउंट करनी होती है। ये एक सबसे बड़ा काम होता है जिसको लगभग आदत के बाद आधा घंटा लगता है सारी सिगरेट्स गिनने को। लगभग 1200 से 1300 सिगरेट होती है स्टोर में, उसको गिनने में इतना समय लग जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ये आप व्यू देख लीजिए पहले एक बार स्टोर का। उसके बाद अगर बात करें 12 बजे के बाद कस्टमर नहीं आते तो जो हमें काम रात को अलॉटेड है वो हम करने शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है मॉपिंग, ये आपको एवरी नाइट करनी होती है मॉपिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने की है। तो ये मॉपिंग आपको एवरी नाइट करनी होती है। इसके बाद अगर आगे बढ़े, जैसा कि हम देख रहे हैं कूलर देख रहे हैं, ये फ्रिजेस आपको दिख रहे हैं, इसमें सारे प्रोडक्ट्स फिल किए हुए हैं, सारे फिल्ड हैं। तो ये रात में हमें भरने होते हैं, क्योंकि सुबह जब कस्टमर लगातार आएंगे तब स्टॉक जल्दी से खत्म होता जाता है, तो इस लिहाज से हमें ये फिल करना होता है रात में। हमने ये गेट आधे घंटे पहले ही खोल दिया था ताकि ये कूलर ज्यादा अंदर ठंडे ना हो, और ऑफ कर दिया था पहले ही। तो ये है, देखिए ये देखिए, ये व्यू इनसाइड व्यू है, इधर से हमें प्रोडक्ट उठाकर इसमें रखने हैं ताकि ये पूरे पूरे भरे रहे एंड तक। जो आइटम्स अभी नहीं है वो कम है, इसी के कारण कई कूलर्स खाली भी रहेंगे, लेकिन जो है आपको उससे आपको पूरा पूरा भरना होगा। तो ये है दूसरा काम। इसके बाद तीसरा काम होता है, हमें कॉफी बनानी होती है, 4-4.5 के करीब एवरी डे हमें ये कॉफी इसमें बनानी होती है कॉफी मेकर, और इसमें जो पुरानी है उसको हमें डिस्पोज करके और नई इसमें बनानी है कॉफी। तो ये तीन काम होते हैं मेनली, और हमें ये सारे आइटम्स का भी ध्यान रखना होता है कि किसी की कमी ना हो। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर इस आइटम की कमी है, तो किसी आइटम की कमी आपको होनी नहीं चाहिए, ताकि सुबह एवरीथिंग शुड बी फिल्ड। सो ये चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं। और ये नाइट का यही काम होता है मेनली, 3-4 काम होते हैं जो कि आपको करने होते हैं, और ये करने में लगभग 1.5 घंटे में लगते हैं। तो आप इसको कर लीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं, 5 बजे के बाद कस्टमर आएंगे वो आपको लेने होंगे। तो इसके अलावा कोई काम और है नहीं।